हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इन दोनों की रेस करिए, इन दोनों का ड्रैग करिए, इन दोनों के परफॉर्मेंस टेस्ट करिए। तो हमारे पास कौन सी गाड़ी है आज? आज हमारे पास है ड्यूक 250 BSX ऑर्बिट पेलेंट 250 BSX। देख सकते हैं नीचे, आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं बाइक। तो ये रही ड्यूक एंड ये रही आपकी विट पेलन 250 BSX। दोनों का इंजन सेम है। एक्चुअली आप लोग को पता होगा कि KTM का ही इंजन लगा हुआ है, बट जैसा कि आपने देखा है पुराने वाले वीडियोस में, जो विट पेलन है वो 162 तक गई है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्यूक कितना इसको कोप अप कर पाती है, जीतने की कोशिश कर पाती है या जीत जाती है, वो हमको रेस में पता चलेगा। मुझे भी नहीं पता है, मैं भी पहली बार दोनों को भगाने जा रहा हूँ साथ में। तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, मिलते हैं सीधे ट्रैक। तो अभी मैं चलाने जा रहा हूँ विट पेलन 250। शुभम भाई चला रहे हैं 250 BSX KTM की ड्यूक। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। और राइडर वेट की अगर मैं बात करूँ, राइडर वेट मेरा जो है वेट वो है 88, इनका है 65, तो 20 kg लगभग मेरे से कम है ये। तो यहाँ पे एक पावर टू वेट रेशियो का भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी विंड बहुत ज़्यादा है आज, और यहाँ पे विंड्रैक दोनों को मिलने वाला है। दोनों नेकेड हैं, बट ये थोड़ा कैफे रेसर है तो हो सकता है इसको थोड़ा एडवांटेज मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं रिजल्ट में। मुझे भी कुछ पता नहीं है, तो मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको, बाकी जो रियल टाइम रिजल्ट है वो आपको रेस में मिलेगा। देखते हैं, एडवांटेज मिल गई। ड्यूक को एडवांटेज मिल गई है, लेकिन टॉप एंड में निकल जाएगी। ड्यूक बहुत तेज़ी से निकल गई आगे, और इसको टाइम लग गया। हो सकता है वेट का एडवांटेज मिला है शुभम को यहाँ पे। तो अब क्या है ना, अब हम लोग करेंगे राइडर चेंज, देखते हैं। इनिशियल में बहुत तेज़ी से निकली, वेट का एडवांटेज मिला है इसको। हाँ, इनिशियल बहुत तेज़ी से निकल गई, क्योंकि एक तो गाड़ी हल्की, ऊपर से राइडर भी हल्का, और ये गाड़ी हल्की है बट यहाँ पे आपको 20 kg ज़्यादा मिला, इसलिए जो इनिशियल टॉर्क है ना, इसने अचीव नहीं किया उतना जितना इसने कर लिया, क्योंकि इंजन जो है ना एकदम सेम है। और PS एंड टॉर्क की बात करूँ वो भी एकदम सेम है। हाँ, बॉडी का फर्क है। हाँ, बॉडी का फर्क है। पावर टू वेट रेशियो आपके राइडर वेट से ही डिपेंड करेगा यहाँ पे। अभी मैं चलाने जा रहा हूँ ड्यूक, और भाई चला रहे हैं विट पेलन। 151 गई है, और ये कितना गई थी? ये 157 प्लस गई थी। और एक चीज़ और बताऊंगा, उसमें एक्चुअली जो पेट्रोल है वो फुल है, तो पेट्रोल का भी आप अगर मान लो उसमें 6 kg लगभग पेट्रोल ज़्यादा है, तो उससे भी बाहर मिला है। इसमें पेट्रोल कम है, तो यहाँ पे मतलब पावर टू वेट रेशियो का थोड़ा सा अंतर मिला है। अब देखते हैं राइडर चेंज किया है तो क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। राइडर हम लोग ने चेंज कर लिए हैं।
राइडर का इफेक्ट पड़ा है, राइडर का इफेक्ट पड़ा है भाई, देख लीजिए आप लोग राइडर का इफेक्ट। गाड़ी आ गई तो उसने गाड़ी धीरे कर ली है और मैं निकल गया हूँ। देखेंगे कि वो निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। अभी विंड ब्लास्ट ज्यादा मिल रहा है तो ये गाड़ी भाग नहीं रही उतनी। आ गई भाई, आ गई। वेट पिलेन बहुत तेज है ड्यूक से। राइडर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे। और मैं रुक भी गया था। हाँ, और ये रुका था उसके बाद में निकल गई। 163 स्लिप स्ट्रीमिंग के बाद। ओके, तो देख सकते हो आप लोग इसका टॉप एंड कितना ज्यादा है। इसका जो है 147-148 में मतलब घूम रही थी और विंड इतना ज्यादा लग रहा था कि ये इसने ज्यादा अचीव कर भी नहीं पाई। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो विनर है ना वो आपकी है विट पिलन 250। और ड्यूक मतलब बहुत लोग बोल रहे थे यार ड्यूक जीत जाएगी, ड्यूक जीत जाएगी, ड्यूक में ये है, ड्यूक में वो है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, मैंने पहले भी बता दिया था लोगों को कि विट पिलन यहाँ पे सीधे सीधे विनर है ड्यूक के सामने और ड्यूक नहीं जीत सकती है विट पिलन से। तो आप लोग के पास रिजल्ट दिख गया है आपको रियल टाइम, और अब आप देख सकते हो कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। अगर पसंद है तो ड्यूक ले लीजिए, अगर स्पीड से ज़्यादा प्यार है तो आप विट पिलन के साथ जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। और अभी कोरोना चल रहा है तो भाई बस मैं इतना ही कहूँगा कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानिए और मास्क वगैरह पहन के ही चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।